चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एमसीसी का रजिस्ट्रेशन करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और उनका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक पर बात करेंगे ईएसआईसी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन कब करना है, इसमें श्योर नहीं हो रहा है। दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे हम कैटेगरी चेंज के बारे में, क्योंकि कैटेगरी चेंज का अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि सर्टिफिकेट में किसी कैंडिडेट के मिस्टेक्स है, जैसे 10th के सर्टिफिकेट में कुछ नाम और है, 12th के सर्टिफिकेट में फादर नेम कुछ और है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन करते समय कोई मिस्टेक्स हो गई है, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं किया है, या फिर डीयू सिलेक्ट कर दिया है, या फिर डीयू सिलेक्ट नहीं किया है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप चॉइस फिलिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि 14 अक्टूबर से चॉइस फिलिंग है। तो आपको एक राइट वे में कैसे चॉइस फिल करनी है, तो इसके लिए आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको काफी और भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब बात करते हैं हम ईएसआईसी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन अभी शो नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है, तो आपको ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जो कैंडिडेट आईपी कोटा रखते हैं, जिनके पास में ईएसआईसी का सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए इसमें कहीं भी रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन शो नहीं होगा। लेकिन जब आप च्वाइस फिल करेंगे तब आपको आईपी के कॉलेज वहां शो होंगे। तो आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, अपने ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना है, और जब आप च्वाइस फिल करेंगे तो वहां आपको आईपी कोटा के तहत जो ईएसआईसी की कॉलेज है जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, आपके पास आईपी का सर्टिफिकेट है, तो वो आप उसके लिए कॉलेज फिल कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया है ईएसआईसी का आईपी का, तो ये च्वाइस फिलिंग के दौरान आईपी की कॉलेज आपको शो होंगी, आपको कहीं और अलग से ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप एमसीसी में ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन कर दें और ओपन सीट के लिए रजिस्ट्रेशन कर दें, ईएसआईसी के लिए आप उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। च्वाइस फिलिंग के दौरान आपको कॉलेज उसमें दिखाई देगी आईपी कोटा की। इसके बाद में बात करें हम कैटेगरी चेंज की, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एनटीए का फॉर्म फिल करते समय जनरल कैटेगरी फिल कर दी थी और उनके पास में अभी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट आ गया है, तो वो स्टेट में फायदा ले सकते हैं इसमें कैटेगरी का, क्योंकि कैटेगरी चेंज का अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ईडब्ल्यूएस या ओबीसी फिल कर दिया था एनटीए के रजिस्ट्रेशन करते समय, एनटीए का फॉर्म फिल करते समय, तो वो कैंडिडेट अपने कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। उनके पास में अगर सर्टिफिकेट नहीं बना है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, तो वो जनरल में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो वो कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, उनके लिए अगर उनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है, जाएंगे, उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो वो सीट तो कैंसिल हो जाएगी उनकी, लेकिन वहां से वो कैटेगरी चेंज का उनको ऑप्शन मिलेगा। इंस्टीट्यूट से कैटेगरी चेंज करवा के वो सेकंड राउंड में चेंज्ड कैटेगरी पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर उनको फर्स्ट राउंड में ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की सीट अलॉट हो जाती है, उनके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको जनरल कैटेगरी में सीट मिलेगी और वो जनरल उनको फर्स्ट राउंड के अलॉटेड कॉलेज में जाकर के कैटेगरी चेंज करवानी पड़ेगी। तो फर्स्ट राउंड की सीट तो उनकी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन सेकेंड राउंड में वो जनरल कैटेगरी में कंसिडर हो जाएंगे। ये ऑप्शन है ऑल इंडिया कोटा के लिए, और स्टेट के लिए आपके पास में जो भी आपके पास फॉर्म है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, उसका स्टेट अपना अलग से रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, तो आप स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमसीसी में जनरल भी फिल किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, स्टेट में आप अपने कैटेगरी का फायदा ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जिन कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट में मिस्टेक्स है, जैसे मान लो किसी के 12th के सर्टिफिकेट में फादर नेम में चेंज है, थोड़ा सा 10th में चेंज है, तो इस प्रकार से, तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन 22 एमसीसी का है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपको इस कंडीशन में एक एफिडेविट लेकर के जाना है। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो आपको एक एफिडेविट लेके जाना है, उसमें सारी ये बातें मेंशन होनी चाहिए कि मेरा नाम ये है या फादर का नाम ये है, गलती से 12th की मार्कशीट में ये हो गया है, वो सारी उसमें लिख के आप एक एफिडेविट लेकर के जानी होगी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अभी
रजिस्ट्रेशन करते समय जिन कैंडिडेट्स के मिस्टेक्स हो गई है तो उनको क्या करना है, तो उनको रीसेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, ये सेकंड राउंड में भी मिलेगा, आपको मोपअप राउंड में भी मिलेगा, तो इसका आपने अभी वेट करना है। रीसेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा तो आप रीसेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को रीसेट कर सकते हैं, दोबारा से रजिस्ट्रेशन को जो आपकी मिस्टेक हो गई है उसको रीसेट कर सकते हैं। प्रीवियस की जो स्टेप्स हैं, मैंने जब कल वीडियो बना के बताया था उसमें प्रीवियस की स्टेप्स हैं, वो सारी आपको मिल जाएंगी और आप उसको रजिस्ट्रेशन को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा, यानी कि आप एक ही बार रीसेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इसको बार बार नहीं कर सकते। एक बार यूज कर लिया तो फिर आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये तो ये जानकारी थी स्टूडेंट्स को एमसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही है, उनका समाधान क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।